गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रांशु शुक्ला फ्रॉम स्टर्लिंग स्कूल बरावा जौनपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द इंग्लिश ऑफ क्लास फोर्थ। तो आपको पिछले वीडियो मैंने फर्स्ट चैप्टर बता दिया था बच्चों, उसका वर्क भी कंप्लीट करा दिया है। आज के वीडियो में हम आपको आपका सेकेंड चैप्टर रॉबर्ट ब्रूस राजा के बारे में बताते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर को समझने से पहले, इस पैराग्राफ को समझने से पहले बच्चों, आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है उसको लिख लीजिए, ताकि ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें मीनिंग क्या क्या है इम्पॉर्टेंट। ब्रेव मतलब बहादुर, स्ट्रांग मतलब मजबूत, डिफीटेड मतलब पराजित, बैटल मतलब युद्ध, मेट मतलब मिलना, फेल मतलब असफलता, हॉटली मतलब उत्तेजना से, हाइडिंग मतलब छिपना, केव मतलब गुफा, लोनली मतलब अकेला, सौरव मतलब अफसोस, मूड मतलब भावदशा। तो बच्चों इस मीनिंग को आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि हमें ये वीडियो अच्छे से समझ आए। चलिए देखते हैं वीडियो को बच्चों। रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस नाम का राजा स्कॉटलैंड का राजा था, यानी स्कॉटलैंड देश का रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक राजा था। ही वॉज वेरी ब्रेव, वो बहुत ही बहादुर एंड वेरी स्ट्रांग, और बहुत ही मजबूत शक्तिशाली राजा था। बट ही वॉज डिफीटेड एंड टर्न आउट ऑफ हिज कंट्री बाई द इंग्लिश। लेकिन वह इंग्लिश मतलब अंग्रेजों से वह अपना देश क्या हो जाता है बच्चों, हार जाता है, और उसको अपना देश टर्न आउट यानी अपने देश को छोड़ना पड़ता है। ही फॉट मेनी बैटल्स टू फ्री हिज कंट्री। वह अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई बार युद्ध लड़ता है, कई बार युद्ध करता है। बट एवरी टाइम्स, लेकिन हर समय हर बार, ही मेट विथ फेलर, उसको असफलता ही प्राप्त होती है। द इनमीज ऑफ रॉबर्ट ब्रूस वर सर्चिंग हिम हॉटली। यानी जो रॉबर्ट ब्रूस राजा के जो शत्रु होते थे बच्चों, वो बहुत ही उसको उत्तेजना के साथ, हॉटली मतलब मैंने क्या लिखवाया है, उत्तेजना, बहुत ही उत्तेजना के साथ उसको सर्च करते थे, ढूंढते थे। क्यों ढूंढते थे? दे वॉन्टेड हीज लाइफ, वो उसको जान से खत्म करना चाहते थे, उसको जान से मारना चाहते थे बच्चों। ही हैड रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। यानी जो राजा थे रॉबर्ट ब्रूस जो राजा थे, ही हैड रन अवे, वो भाग जाते हैं, कहाँ से भाग जाते हैं बच्चों, बैटल फील्ड से, यानी वो युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। एंड वॉज हाइडिंग इन केव, और एक गुफा में जाकर छिपते हैं। कहाँ छिपते बच्चों? एक गुफा में जाके छिपते हैं। ही वॉज लोनली, वो उस समय अकेले होते हैं, लोनली मतलब अकेला। ही वॉज लोनली एंड वॉज सिटिंग इन अ सॉरोफुल मूड, और जो है बहुत ही भाव दशा में, अफसोस दशा में, यानी उनका अपने अफसोस दशा में वो जा करके जो है एक केव में अकेले छिप जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके अगली वीडियो में मैं आपको अगला पैराग्राफ बताऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए।